टेली टॉप आप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज। आज देखिए शक्ति में कैसे प्रीतो ने रचा सुसाइड वाला ड्रामा। नामकरण में देखिए कैसे मिष्टी को बचाने के लिए की है अवनी और नील ने प्लानिंग। इश्क में मर जावा में देखिए कैसे दीप ने की सबूत मिटाने की कोशिश। दिल से दिल तक में पार्थ क्यों हो गया है फ्रस्ट्रेट। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल शक्ति में सौम्या अपने रूम में होती है और चांद को देख रही है और मन ही मन मुस्काती है हरमन के बारे में सोचते हुए। सौम्या सोचती है कि काश हरमन जी यहाँ होते। और फिर थोड़ी देर बाद हरमन आ जाता है और कहता है सब सो गए हैं, चलो तुम्हें कहीं ले जाना है। वेल हरमन सौम्या को लेकर आया है दिवाली मनाने। सौम्या को वो दिवाली विश करता है और फिर सब मिलकर दिए जलाते हैं और खुशी से मनाते हैं दिवाली का त्योहार। सीरियल शक्ति में प्रीतो करने जा रही है सुसाइड और उसको बचाने के लिए दौड़ रहा है हरमन और हरमन के पीछे पीछे भाग रही है सौम्या। सीरियल के ट्रैक की बात की जाए तो ये प्रीतो की चाल है हरमन का ध्यान अपने आप पर खींचने के लिए। प्रीतो का ये नाटक है। प्रीतो पानी में जंप मार के सुसाइड करने का नाटक करती है और उसे बचाने के लिए हरमन भी पानी में जंप करता है। बेचारी सौम्या ये देख कर परेशान हो जाती है और दोनों के पीछे भागती है। सीरियल नामकरण में आज अवनी, नील और अली मिलकर कर रहे हैं किसी को किडनैप। जी हाँ, आज एक पुलिस वाला ही किडनैपर बन गया है। दरअसल ये तीनों मिष्टी को विद्युत के चंगुल से छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे किडनैप कर रहे हैं। नील और अवनी ये मानते हैं कि मिष्टी नील और जूही की बेटी है, इसीलिए वो दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं मिष्टी को विद्युत से बचाने के लिए। बोनस धमाका में करिए जल्द आ रहे शो पोरस के ग्रैंड सेट की सैर। वेल सीरियल नामकरण में पार्टी में मौका मिलते ही अवनी मिष्टी को चुपके से टेबल के नीचे छिपा देती है और उसकी जगह एक डमी डॉल को बिठा देती है। वहीं विद्युत को जब शक होता है तो वह नील के पास आता है। तभी मौका देखकर नील विद्युत के गले पर फोर्क रख देता है ताकि सब वहां से भाग सके। सीरियल इश्क में मर जावा में दीप पहुंच गया है क्राइम सीन पर और वो वहां कोशिश करते हैं सबूत मिटाने का। जी हां, दीप इस बार भी तारा के किए गए अपराध का किसी को पता ना चले इसीलिए ऐसा कर रहा है। दीप मिटाने की कोशिश कर रहा है केस से रिलेटेड अहम सबूत जिससे कि तारा पकड़ी ना जाए। सीरियल दिल से दिल तक में शौर्वरी के जाने से पार्थ को सता रही है शौर्वरी की याद और उस वजह से वो है बहुत फ्रस्ट्रेशन में और उसका फ्रस्ट्रेशन वो निकालता है बॉक्सिंग पंच पर और हो जाता है अपने काबू से बाहर। पार्थ की ऐसी हालत हुई है शौर्वरी के जाने की वजह से। वो उसकी याद में इतना पागल हो गया है कि अब उसे अपने पर काबू नहीं रहा है और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस तरह पंच मार मार कर निकाल रहा है। लेटर ऑन द शो सिमर की बेटी अंजलि की लाइफ में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। वेल सीरियल दिल से दिल तक में पार्थ को ऐसी हालत में देख टैनी उसे हर बार की तरह संभाल लेती है। शौर्वरी के चले जाने के बाद टैनी पार्थ का रख रही है ख्याल। भाई अब शौर्वरी के जाने के बाद एक टैनी ही तो है जो पार्थ की सबसे अच्छी दोस्त है और इसी के नाते उसे पार्थ को इस गम से निकालना होगा। अब टैनी अपने दोस्त पार्थ को कैसे संभालती है और उनकी ये दोस्ती प्यार में कैसे बदलती है ये देखना है दिलचस्प। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है बिग बॉस कंटेस्टेंट ज्योति जो घर से हो चुकी है बेघर। घर से बेघर होने के बाद ज्योति ने की जूम से एक्सक्लूसिव बात और बताया कैसा रहा घर में उनका सफर। बहुत अच्छा रहा। बिग बॉस के घर में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं यहाँ लोग फेक दोस्ती करते हैं तो उसमें एक सच्ची दोस्ती मिलना बहुत मुश्किल है, जो शायद मुझे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल ज्योति ने ये भी बताया कि उनके हिसाब से शो में कौन जाएगा आगे। कुछ उनका पहले उस बार उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि पहले उन्होंने विनापसा का नाम लिया, फिर लव का नाम लिया कि लव विनापसा जा रही है, तो विनापसा गई, उसके बाद फिर लव जा रहा है तो लव गया, फिर उसके बाद लव तू ज्योति को छोड़ने जा रहा है, तो ऐसे फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि ज्योति जा रही है।
सीरियल तू आशिकी में चल रही है हल्दी की रस्म, लेकिन किसे ढूंढ रही है पंक्ति की ये बेचैन निगाहें। जरा देखिए तो सही, जहां एक तरफ घर में पूरा परिवार हल्दी की रस्म में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पंक्ति की निगाहें आहान के इंतजार में बेचैन हुई जा रही हैं। पंक्ति की ये बेचैनी देख उसकी बहन वहां आ जाती है, जो उसके दिल का हाल समझ जाती है और लगे हाथ वो भी आहान के नाम से उसे छेड़ती है। इतने में आहान की माँ वहां आ जाती है, जिसे देख दोनों चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। वेल, सीरियल तू आशिकी में हल्दी की रस्म स्टार्ट होती है। हर कोई रस्म को पूरा करने में लग जाता है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या शादी की बाकी रस्म भी शांति से हो जाएगी, या फिर ये हल्दी सेरेमनी होने के पहले ही नेकलेस को लेकर घर में ड्रामे की तरह पंक्ति की लाइफ में कोई नई मुसीबत आएगी। भाई, टीवी सीरियल की शादी बिना ड्रामे के हो जाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? अब देखना ये है कि इस शादी में क्या नए ड्रामे होंगे। सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि में बदलाव देखकर सिमर है काफी खुश। आज सिमर भी अंजलि को खुश रखने की कर रही है कोशिश। जी हाँ, जहाँ पहले सिमर डरती थी अंजलि के कहीं बाहर पार्टी में जाने से, अब वो खुद ही दे रही है अंजलि को इजाजत पार्टी में जाने की। दरअसल अंजलि को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे पजामा पार्टी में इन्वाइट करती है, लेकिन अंजलि मना कर देती है। ये सब पीछे खड़े सिमर देख रही होती है और अंजलि को देती है इजाजत पार्टी में जाने के लिए, तो अंजलि बहुत ही खुश हो जाती है। वेल, सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि किचन में जाती है तो संजना और परी वहाँ मौजूद होते हैं। तब अंजलि ट्रे उठाती है तो उसमें समीर का फोटो होता है, जिसे अंजलि परी की तरफ देखकर घबरा जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये फोटो शो में आने वाले नए ट्विस्ट का इशारा तो नहीं। सीरियल पोरस में टीवी स्टार मोहित अबरोल नजर आएंगे हस्ती के किरदार में, जिसके बारे में उन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। यार, मेरा किरदार जो इस शो में है वो हस्ती का है, जो पोरस के साथ, पोरस उसका भाई बेसिकली रिपु धवन उसे लेके आते हैं यहाँ पे दस्यु राज्य में, जहाँ पे वो पल भर रहे। तो मैं रिपु धवन का बेटा हूँ, तो रिपु धवन तो हम दोनों भाइयों की तरह, मैं और पोरस दोनों भाइयों की तरह बड़े होते हैं, और कैसे हम में कॉम्पिटिशन है, कैसा प्यार है, मोहब्बत है, वो ना जैसे दो भाइयों में होता रहता है यार, छेड़छाड़ ये वो, मस्ती भी करते हैं हम दोनों बहुत। तो दैट इज़ माई कैरेक्टर बेसिकली। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे लुक वगैरह, तो जैसा मेरा लुक है यू नो, तो मेरा एक और उसमें वो है लेयर, विच इज़ लुटेरा। टीवी स्टार मोहित अबरोल की एंगेजमेंट टीवी स्टार मानसी श्रीवास्तव यानी सीरियल इश्कबाज की भाव्या से हो चुकी है। अब ये दोनों शादी कब करने वाले हैं, ये मोहित ने जूम से किया शेयर। यार, मानसी से तो व्हेनेवर आई गेट टाइम यू नो, जैसे मेरा शूट खत्म होता है आई टेक अ कैब एंड आई गो बैक टू बॉम्बे, क्योंकि मैं रह नहीं सकता हूँ मानसी के बिना। तो आई मेक श्योर जैसे मेरा नेक्स्ट शूट नहीं है तो आई गो बैक। और शादी के प्लान्स विद इन सिक्स मंथ्स वी गोना गेट मैरिड, क्योंकि अपना बहुत टाइम हो गया हमारी एंगेजमेंट को। एंड मेरे पेरेंट्स भी और मानसी के पेरेंट्स भी दोनों, हम दोनों के पीछे पड़ गए हैं आप हाथों के, बट वी आर नॉट गेटिंग टाइम एक्चुअली यार, क्योंकि वो इश्कबाज में बिजी है, मैं शो में बिजी हो गया हूँ अभी, बट वी गोना मेक आउट टाइम। अभी शादी करनी है, प्रायोरिटी है लाइफ केयर। टीवी प्रोड्यूसर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने प्रोडक्शन हाउस के वन ईयर कम्प्लीशन पर रखी एक शानदार पार्टी। जी हां, और इस शाम को शानदार बनाया टीवी सितारों ने। सिद्धार्थ ने इस एक साल में कई शोज लॉन्च किए, जैसे कि वो अपना सा, लव का है इंतजार, और अब जल्द आने वाला है सीरियल हासिल, जिसकी पूरी स्टार कास्ट भी इस पार्टी में नजर आई। एक्टर जायद खान और टीवी स्टार निकिता दत्ता, जो हासिल में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, वो भी यहां मौजूद थे। वेल, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ मल्होत्रा की पार्टी को रोशन की टीवी सितारों ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से। यहां सभी खूब बन ठन कर पहुंचे, जैसे कि दृष्टि धामी, नकुल मेहता, सुरभि ज्योति, रिद्धि डोगरा, निया शर्मा, निकिता दत्ता, सुदीप साहिर एंड मेनी मोर। सभी ने दिखाया यहां अपने फैशन का जलवा, और कई सितारों ने चलाया काला जादू, क्योंकि उन्होंने पहने थे ब्लैक आउटफिट्स। देख लीजिए सितारों की खास पार्टी फैशन की झलक। सीरियल ये उन दिनों की बात है में नैना अपने रूम में समीर को फोन लगाती है और सॉन्ग्स प्ले करती है, लेकिन एक तरफ उसे डर भी होता है कि उसके रूम में कोई आ ना जाए। वो गाना सुनते सुनते खो ही रहती है समीर के ख्यालों में,
वहीं दूसरी तरफ सब बच्चे खेल रहे हैं कैरम बोर्ड अपने चाचा जी के साथ और देते हैं कुछ बातों की सीख, लेकिन नैना है जो समीर के ख्यालों में ही अटकी हुई है और वो चाचा जी की बातों पर गलती से प्यार वाली बातें निकाल बैठती है, जिससे चाचा जी सुनकर चौंक जाते हैं और नैना के पास आती हैं। नैना डर जाती है और होमवर्क के बहाने से अंदर भाग जाती है। सीरियल ये उन दिनों की बात है में समीर और नैना के स्कूल में हो रहा है रोमियो एंड जूलियट का प्ले, जिसमें रोमियो तो है समीर, लेकिन नैना नहीं बनी समीर की जूलियट। दरअसल जब नैना को जूलियट का रोल ऑफर हुआ था तब उसने मना कर दिया था क्योंकि वो थी समीर से नाराज, लेकिन अब जब वो समीर से नाराज नहीं है वो बनना चाहती है प्ले में समीर की जूलियट। लेकिन अब जूलियट का किरदार निभा रही है उसकी बेस्ट फ्रेंड और नैना बन गई है जूलियट की वॉरियर। अब वो भी किसी तरह से ट्राई कर रही है कि वो बन जाए रोमियो बने समीर की जूलियट। सीरियल नामकरण में अवनी मिष्टी को लेकर विद्युत की पार्टी से भाग गई है। विद्युत और उसके गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं। नील को ये बात पता चल जाती है और वो भी अवनी और मिष्टी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अवनी और मिष्टी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, तभी वहाँ नील भी आ जाता है और फिर अवनी, नील और मिष्टी भी विद्युत से बचने के लिए छिप जाते हैं। बोनस धमाका में आज हम आपको करवाएंगे सीरियल पोरस के ग्रैंड सेट की सैर। जी हाँ, सीरियल पोरस जल्द ही टीवी पर आने वाला है और इस शो का सेट करीब 9 एकड़ में बनाया गया है और इतना बड़ा सेट आज तक किसी शो के लिए नहीं बनाया गया है। सबसे पहले आज हम आपको दिखा रहे हैं पौरव राज्य का सेट, जहाँ पोरस के पिता राजा बामनी यानी टीवी स्टार आदित्य रेडिज और रानी अनुसुईया यानी टीवी स्टार रति पांडे करते हैं राज। देख लीजिए बाहर और अंदर से कितना विशाल है ये राजमहल और इसका कोर्ट रूम जहाँ राजा बामनी अपने सिंहासन पर विराजते हैं। जूम पहुंच गए उमरगांव गुजरात में, जहाँ पर सीरियल पोरस की शूटिंग हो रही है और हमारे पीछे एक विशाल सेट है जो कि सीरियल पोरस का सेट है। मेरा जो किरदार है वो एक ट्रेडर का है जो पर्शिया से आया है। ये आप कॉस्ट्यूम देख रहे होंगे, ये बहुत रिसर्च करके उस ज़माने में जो 326 BC में पहनते थे लोग वहाँ के, वो वैसे कॉस्ट्यूम्स है। और अगर आपने बाकी सेट्स पे देखा होगा तो 5 डिफरेंट कंट्रीज़ की कहानी है ये और 5 डिफरेंट कंट्रीज़ की वेशभूषा, वैसे कपड़े डिज़ाइन किए गए हैं, वैसे यहाँ तक कि जो बैकग्राउंड कास्ट है उनके भी कपड़े डिज़ाइन किए गए हैं। जो आप सेट्स देख रहे हो उस ज़माने का आर्किटेक्चर है, जो आप मार्केट प्लेस का फील देख रहे हो उस ज़माने के मार्केट्स ऐसे हुआ करते थे, एक ही जगह पे आपने देखा एक एक करके सारी मटेरियल्स की शॉप्स हैं, जैसे कपड़ों की है, वो डेकोरेशंस की है, यू नो कपड़े की है, यानी हाउस होल्ड थिंग्स की है। आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ कड़िका, जिसका नाम कड़िका है, जो कि क्वीन है और दिस गेटअप इज़ माई फेवरेट, यू नो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। उस एरा में किस तरह का ज्वेलरी हो सकती है, थोड़ी सी लिबर्टी लेके तो बनाना ही पड़ता है, बट उस एरा को मद्देनजर रखते हुए वो ज्वेलरीज बनाई गई हैं। लास्टली अपने व्यूअर्स, अपने फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई एक खास बात क्या बताना चाहेंगे अपने शो के बारे में? हम खास बात ये बताना चाहते हैं अपने शो के बारे में कि हमारा शो बहुत बहुत खास है। एकता कपूर कर रही हैं दिव्यांका त्रिपाठी की लेग पुलिंग। जी हाँ, आजकल एकता और दिव्यांका एक साथ है बूरापेस्ट में अपने शो ये है मोहब्बते के शूट के लिए और यहाँ एकता कपूर ने दिव्यांका की कुछ ऐसे की लेग पुलिंग। टेली टॉप अप में हमने आपको बताया था कि बेहद होने वाला है ऑफर और जेनिफर विंगेट आजकल घूम रही हैं यूरोप में। वेल, अपने सोशल हैंडल पर जेनिफर ने पोस्ट किया है अपने कैरेक्टर माया का एक क्यूट वीडियो और अपने फैंस, मेकर्स, कोस्टार्स सबको कहा है थैंक्स। इतना ही नहीं, जेनिफर ने ये भी कहा है कि वो माया के इस कैरेक्टर को हमेशा अपने पास रखेंगी। T
टीवी सीरियल्स की दुनिया में जल्द आ रहा है एक नया शो 51। वेल, ये शो बेस्ड है एक ऐसी लड़की के कैरेक्टर पर जो है अपनी फैमिली के लिए लकी। इस शो के कुछ खास ग्लिम्पसेस हम लाए हैं आपके लिए। आपके फेवरेट अर्जुन बिजलानी यानी इश्क में मर जावा के दीप का कल यानी 31 अक्टूबर को है बर्थडे। और अपने बर्थडे के लिए अर्जुन ने रखी है ग्रैंड पार्टी भी। सोशल मीडिया पर अर्जुन के फैंस एंड फ्रेंड्स ने विशेस देने स्टार्ट कर दिए हैं। वेल, अर्जुन की इस पार्टी में उनके काफी फ्रेंड्स आने वाले हैं, जिसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। वेल, अर्जुन हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेस। रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स का हो चुका है ग्रैंड फिनाले। अब इस शो का विनर कौन हुआ और कैसा था उसका विनिंग मोमेंट आप खुद ही देख लीजिए। रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के फाइनल से पहले पूरी टीम पहुंची जयपुर में और जयपुर में हुआ इसका ग्रैंड शो और रिहर्सल्स। सारे बच्चों ने जमकर की तैयारी और किया खूब धमाल। रियलिटी शो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स ने न सिर्फ ऑडियंस को खुश किया बल्कि मेकर्स को भी अपनी रेटिंग से कर दिया खुश। इस शो की वन ऑफ द जज रही नेहा कक्कर। नेहा पहुंची जयपुर और किया खूब एंजॉय। बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है पूरा इंडिया चाहता था कि उनकी सिटी में फिनाले हो सारेगामा पा का, बट एक्चुअली फाइनली जयपुर में हो रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। आई थिंक जयपुर बहुत लकी है कि जयपुर में सारेगामा पा का फिनाले हो रहा है और हम भी बहुत लकी हैं कि इतनी खूबसूरत सिटी में सारेगामा पा का फिनाले हो रहा है। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। कमिंग अप ऑन द शो देखिए बिग बॉस की खास झलक। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको शिल्पा शेट्टी के शो सुपर डांसर 2 की खास झलक दिखाने की। वेल, अगर आपने ये एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो हम आपके लिए लाते हैं खास झलक। आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार लोगों को खूब पसंद आ रही है और प्रमोशन के गुरु माने जाने वाले आमिर इसका प्रमोशन भी खूब कर रहे हैं। वेल, इस फिल्म की कास्ट पहुंची ड्रामा कंपनी के सेट पर और किया कुछ इस तरह से एंजॉय। रियलिटी शो बिग बॉस 11 में से अब ज्योति कुमारी हो चुकी है घर से बाहर। अब ज्योति के घर से बाहर होने के बाद घर के क्या हालात हैं आप खुद ही देख लीजिए। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।